ये जो खेतों से मिट्टी और सरसों की जो खुशबू आ रही है ना, इसका बात, इसका फील ही अलग है। दिस इज हाउ बिहार लुक्स डीप इनसाइड। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल वैंडरर K2 पे। तो दोस्तों कल सुबह शुरू होने जा रहा है एक ज़बरदस्त राइड। लास्ट ईयर आई रोड माई हिमालयन फ्रॉम बेंगलोर टू गोरखपुर। तो मैं नॉर्मल रोड रूट लेके आया था वाया हैदराबाद, देन मैहर MP एंड अलाहाबाद गोरखपुर। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक, राइड बैक टू बेंगलोर। तो कल सुबह मैं राइड कर रहा हूँ अपना हिमालयन बैक टू बेंगलोर। बट द बेस्ट पार्ट इज मैं गोरखपुर से बेंगलोर पहुँचने के लिए सबसे लंबा रोड रूट लेके जा रहा हूँ। तो मैं गोरखपुर से जा रहा हूँ पटना, पटना से कोलकाता वेस्ट बंगाल, देन टूवर्ड्स पुरी, एंड पुरी से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, देन बेंगलोर। ये वाला रूट मुझे एक्सप्लोर करना था, कोस्टल रूट। सो मुझे कोस्टल रूट में जाने का बहुत इंटरेस्ट था। सो बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि वंस आई विल टेक दिस कोस्टल रूट टू रीच बेंगलोर। तो मैं ये कोस्टल रूट ले रहा हूँ। तो कल सुबह निकल रहा हूँ मैं गोरखपुर से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, जैसा भी लगता है, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर लिख दिया करिए। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं सोने, और कल सुबह निकलते हैं गोरखपुर से पटना के लिए। बाय बाय। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो सब रेडी हो गया है, लगेज माउंटेड, बाइक इज फुल्ली रेडी, सर्विस्ड, टाइम टू स्टार्ट। So all right, road trip started. So आज का stop है पटना। So ये है अपना गोरखपुर का zoo, चिड़ियाघर। ये है अपना रामगढ़ ताल का बैक साइड। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यूपी के सीमा से बाहर, आउट ऑफ यूपी, एंड आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड बिहार। यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, पूरा जाम लगा है। तो इधर से सब लोग जा रहे हैं, हम भी चलते हैं आराम से। सो NH 27 से स्लाइट लेफ्ट मोहम्मदपुर फ्लाईओवर के बगल से NH 331 टूवर्ड्स पटना, NH 27 स्ट्रेट चला गया टूवर्ड मुजफ्फरपुर, एंड आई टुक अ फ्लाइट लेफ्ट टू NH 331 एंड इट गोज टू पटना। मोटरसाइकिल का मज़ा हमेशा कंट्री साइड रोड में आता है, और ये है गांव के बीचों बीच होता हुआ सड़क। ये देखिए, दिस इज हाउ बिहार लुक्स डीप इनसाइड। ऐसा दिखता है हमारा बिहार अंदर से, बाहर से अलग दिखता है, अंदर से ये दिखता है।
ग्रीनरी ग्रीनरी, ये जो खेतों से मिट्टी और सरसों की जो खुशबू आ रही है ना, इसका बात इसका फील ही अलग है। ये सरसों कभी ट्राई करिएगा। लिट्टी नाश्ता में है, लिट्टी लिट्टी खाया जाए थोड़ा। लिट्टी के साथ सब्जी, रंगा रंग मिठाई। तो नाश्ता पानी हो गया। पटना अनदर 38 किलोमीटर। ओहो, सो वेरी क्लोज टू पटना, अनदर 10 किलोमीटर्स। और सामने है जेपी सेतु। ये है जेपी सेतु। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोपहर में पहुंच गए पटना मनीष भाई के यहाँ, और लंच में बिरयानी बिरयानी मस्त खा के, मस्त आराम आराम करके अभी निकले हैं हम पटना एक्सप्लोर करने। तो दोस्तों, अगर आप बिहार गए और लिट्टी चोखा नहीं खाएं तो क्या खाक खाएं? तो इसी को टेस्ट करने के लिए हम पहुंच गए डाक बंगला चौराहे पे, और हमें यहां पे दिखे दो फेमस लिट्टी जॉइंट्स, डीके लिट्टी और आरके लिट्टी। दोनों के ही लिट्टी टेस्ट में काफ़ी सिमिलर थे और बहुत ही लाजवाब देसी घी में बने हुए। और लाजवाब लिट्टी खाने के बाद मलाई कुल्फी विथ रबड़ी, वाह लाजवाब।